आज के इस इंग्लिश लेसन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को सिखाया जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मुताबिक। जब किसी तहरीर को पढ़कर उसे समझने की कोशिश की जाती है तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ गिवन आर्टिकल और अ शॉर्ट पैसेज। आर्टिकल कहते हैं मजमून को और पैसेज से मुराद है कदरे छोटा मजमून, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ समझना। यानी जब किसी पैसेज को समझने की कोशिश की जाती है, यानी पहले उसे रीड यानी पढ़ा जाता है और फिर कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश की जाती है, यानी ये समझने की कोशिश की जाती है कि उसमें क्या कहा गया है या क्या लिखा गया है, और इस बात को जानने के लिए कि क्या आपको वाकई उसमें लिखी गई बात की समझ आ गई है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है, उस मजमून से मुतालिक सवालों के जवाब तलाश किए जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट को किस हद तक उस पैसेज में लिखी हुई बात समझ में आ गई है और वो कितने अच्छे तरीके से उस मजमून के मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स आर मेंट फॉर टेस्टिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और उनकी पावर का अंदाजा लगाने के लिए उन्हें कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स करना होते हैं, यानी दिए गए पैसेज से मुतालिक सवालों के जवाब तलाश करके उन्हें लिखना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अमल को करने के लिए स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दौरान स्टूडेंट्स क्या करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत ही गौर के साथ पैसेज को पढ़ते हैं और फिर सवालों के जवाब लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ रीड केयरफुली पर जोर दिया गया है, यानी कि उसे पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है कि सवालों के जवाब लिखने से पहले वो इस बात का यकीन कर लें कि उन्हें उस पैसेज की पूरी तरह से समझ आ चुकी है। जैसे कि यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स नीड टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवालों के जवाब लिखने से पहले इस बात की अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपको उस इबारत की अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुताल्लिक कुछ और अहम नुकात पर भी गौर करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है नेवर यूज आउटसाइड नॉलेज। इससे मुराद ये है कि जब स्टूडेंट्स सवालों के जवाब लिखना शुरू करें तो उन जवाब का जो ताल्लुक है वो सिर्फ उस पैसेज में दिए गए जो इंफॉर्मेशन है उससे होना चाहिए, यानी उसके अलावा कोई भी गैर जरूरी बात अपने जवाब के अंदर शामिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है कि पैसेज से हटकर कोई सवाल दिया जाए, जैसे कि उसमें आपकी राय के मुताबिक पूछा जाए, लेकिन फिर भी उसमें जो अहम नुकात होते हैं वो उसी पैसेज से लिए जाते हैं, यानी अपनी बात को प्रूव करने के लिए भी आपको बार बार उसी पैसेज से रेफरेंस लेना होगा। इसके अलावा दूसरा अहम नुकता यह है कि हमें दिए गए अहकाम को बहुत ध्यान से और गौर के साथ पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। मिसाल के तौर पर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी लफ्ज के एंटोनिम यानी उसका उल्ट मतलब या फिर सिनोनिम यानी उसका मानी या मिलता जुलता मतलब बताएं। तो इस मौके पर आपको बहुत गौर से और ध्यान से अपना जवाब लिखना होगा। ऐसा ना हो कि आप एंटोनिम की जगह सिनोनिम लिखते हैं और सिनोनिम की जगह एंटोनिम लिखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि जिनके जवाब आपस में मिलते जुलते होते हैं, तो इस बात का भी खास ध्यान रखना होता है कि हर सवाल के लिए सिर्फ उसी का जवाब लिखा जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी हदायत भी होती हैं कि आपने जवाब को किस अंदाज में लिखना है या फिर वहाँ कोई निशान वगैरह लगाना है, तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप एक बेहतर हिकमत अमली अपना सकते हैं जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है मेक स्ट्रेटेजिक गेसेस, यानी आप एक हिकमत अमली के तहत
सवालों के जवाबात को पूछने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसके बाद बहुत से सवालात हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि पहले सवालात को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए, और सवालात के अंदर जो अहम नुकात हैं या अल्फाज हैं जिनके मुतालिक पूछा गया है, साथ साथ उनको अंडरलाइन करते जाइए। इसके अलावा आप सवालात के जवाबात को पेन या पेंसिल की मदद से ब्रैकेट्स के अंदर निशान लगाकर नुमाया कर सकते हैं ताकि आपको जवाबात लिखते वक्त आसानी हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी सवाल के जवाब में हम ज़रूरत से ज़्यादा तफसील के साथ जवाब लिखने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते वक्त हम उससे अगले सवाल के जो जवाब होता है उसको भी पहले सवाल के जवाब में ही शामिल कर देते हैं। तो लिहाजा ये जो हिकमत अमली बताई गई है कि पहले सवालात को पढ़ लेना चाहिए और फिर पैसेज को पढ़कर उनके जवाबात को निशान लगाकर नुमाया कर लेना चाहिए और फिर बाद में उन्हें यानी उनके जवाबात को लिखने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसकी मदद से हम इस तरह की गलती से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर पैसेज को पहले से ही पढ़ लिया जाए और फिर जवाबात को पढ़ने की कोशिश की जाए, तो फिर जवाबात को पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज को पढ़ना पड़ता है और इस तरह से वक्त भी जाया होता है। तो वक्त को बचाने के लिए भी ये जो हिकमत अमली है, ये तरकीब जो है, ये बहुत अच्छी है। तो लिहाजा आपने सबसे पहले क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी सबसे पहले सवालात को पढ़ना है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट ये एक अहम नुक्ता है, इसलिए हमने इसे तरतीब में मेक स्ट्रेटेजिक गेसेस से पहले कर दिया है। और अब जरा मेक स्ट्रेटेजिक गेसेस के ऊपर मजीद तफसील से बात करते हैं। तो एक अच्छी हिकमत अमली ये भी है कि जवाबात लिखने से पहले आप दी गई चॉइसेस को, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है, अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद अगर आपके पास वक्त की कमी है तो जो चॉइसेस आपको लग रही हैं कि वो सवाल के जवाब से काफी दूर है, उनको पहले कैंसिल कर दीजिए या कट कर दीजिए, और इस तरह से जो करीब तरीन जवाब है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वक्त ज्यादा है तो फिर आप एक एक करके हर चॉइस को आंसर के अंदर फिट करके देख सकते हैं, और ऐसा करते वक्त भी जवाब लिखने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिस जवाब को चुना गया है वो सवाल के ऐन मुताबिक है। इसके बाद सबसे आखिर में जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि जवाबात लिखने के बाद आंसर्स को अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना चाहिए, रिव्यू आंसर शीट्स, ताकि आप अच्छी तरह से तसल्ली कर सकें कि आपने तमाम सवालात के मुकम्मल जवाबात दिए हैं, उन्हें दुरुस्त जगह पर लिखा है। इसके अलावा आपको किसी जवाब के मुतालिक कोई डाउट हो यानी पूरा यकीन ना हो, तो आप दोबारा से पैसेज को या पैसेज के उस हिस्से को अच्छी तरह से पढ़कर उसके जवाब को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक अहम नुकात। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है और उसमें स्टूडेंट्स को क्या करना होता है और ऐसा करते वक्त उन्हें किन अहम चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो इन तमाम बातों को सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इससे अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल की मदद से इन तमाम स्टेप्स को मिलकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम एक सैंपल की मदद से ये देखने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन